सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और उसके पास ही घंटी का बटन दिखता है, उसे जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों YouTube का जो धमाकेदार फीचर है स्टिकर का, दोस्तों स्टिकर किस तरह से साइन करते हैं वो एक मैं वीडियो स्पेशली बना चुका हूं आपको कि किस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं आपके WhatsApp पे स्टिकर और ऑप्शन ऑफ स्टिकर सेंड करके फेमस हो सकते हैं अपने WhatsApp ग्रुप पे दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा दोस्तों, स्टिकर, वो भी आपका खुद का। यस दोस्तों, आप अपने खुद के पिक्चर को स्टिकर बना के किस तरह से अपने WhatsApp ग्रुप पे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड को, फैमिली वालों को सेंड कर सकते हैं, फेमस हो सकते हैं YouTube पे दोस्तों और अपने WhatsApp ग्रुप पे दोस्तों। तो दोस्तों चले फटाफट से आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से अपने खुद का स्टिकर बना के WhatsApp पे यूज कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस दिवाली से पिछले 15 दिन से दोस्तों आप देखेंगे व्हाट्सएप पे स्टिकर्स की भरमार हो चुकी है। एक नया फीचर व्हाट्सएप ने डाल दिया अपने व्हाट्सएप के अंदर दोस्तों, जहां पे आप स्टिकर सेंड कर सकते हैं। दिवाली में बहुत सारे आपको स्टिकर्स आए होंगे दोस्तों, और अब मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ जहां पे आप अपना खुद के पिक्चर का स्टिकर बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकेंगे। स्टिकर्स नॉर्मली आप कैसे यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों डेडिकेटेड, जो आपने अगर नहीं देखा तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको YouTube पे कोई बताने वाला नहीं है, वो है दोस्तों कि आप अपना खुद का स्टिकर WhatsApp पे शेयर कर सकेंगे अपने सारे दोस्तों के साथ और फेमस हो सकेंगे दोस्तों WhatsApp की दुनिया पे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, बताता हूँ किस तरह से आप अपना खुद का स्टिकर बना के WhatsApp पे फेमस हो सकते हैं दोस्तों। चलिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे, तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन आपको यही दिख रही होगी दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, यहाँ पे दोस्तों आपको पहली एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। यस दोस्तों, आपको आपका पिक्चर इसको बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ता है, उसको पीएनजी बनाना था, उसके बाद ही स्टिकर में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जो है, फ्री एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट 5 MB की एप्लीकेशन दोस्तों, देख सकते हैं 10 मिलियन इसके डाउनलोड से, 10 मिलियन दोस्तों, और इसकी 4.5 की स्टार रेटिंग से सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है दोस्तों, उसके साथ साथ आपको एक दूसरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है, बताता हूँ आपको कौन सी करनी दोस्तों, पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप दोस्तों, पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप, ये एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करनी है। दोनों ही एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखी है, देखेंगे दोस्तों इसके 5 मिलियन डाउनलोड है, सबसे बेस्ट स्टिकर्स के लिए दोस्तों ये एप्लीकेशन है व्हाट्सएप के लिए, और 4.2 की इसकी स्टार रेटिंग से, दोनों ही मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर के अंदर, तो बैकग्राउंड इरेजर जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लोडा इमेज, आपकी जो इमेज, जो आपको फोटो और आपके स्टिकर बना के आपको व्हाट्सएप में यूज करना है, वो फोटो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और मैं जैसे ही दोस्तों जाऊंगा यहाँ पे तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अलग अलग फोटोज आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोटो ले लेता हूँ, जैसे कि शाहरुख खान का दोस्तों एक फोटो मैं ले लेता हूँ, जिसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो डल व्हाइट कलर जैसा आपको बैकग्राउंड, इसको पूरा मैं इरेज कर दूंगा, इसको मैं पीएनजी बना के स्टिकर बना के आपको लाइव दूंगा किस तरह से आप व्हाट्सएप पे इसको यूज कर सकेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो आ चुका है, इसको डन करता हूँ सबसे पहले मैं। अब दोस्तों बैकग्राउंड जो इसको किस तरह से इरेज करते हैं, तो एप्लीकेशन में अलग अलग ऑप्शन है, ऑटो है, मैजिक है, मैनुअल है, लेकिन पीछे सिंगल बैकग्राउंड, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है मतलब शाहरुख खान जो है वो ब्लैक है, देख सकते हैं पूरा पूरा कोट वगैरह, तो आपको सिंपल हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको पीछे जो बैकग्राउंड उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑटो पे चले जाना है, जैसे ऑटो पे जाएंगे दोस्तों तो पीछे का पूरा बैकग्राउंड इस तरह से साफ हो जाएगा, आप देखेंगे दोस्तों ये ऑलमोस्ट पूरा बैकग्राउंड पूरा साफ हो चुका है दोस्तों, आप देखिए यहाँ राइट लेफ्ट साइड का पूरा कवर हो चुका है, और लेफ्ट में भी दोस्तों, राइट में भी दोस्तों पूरा क्लीन हो चुका है, 110% पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसको दोस्तों आपको यहाँ पे मैजिक आपको यहाँ करना है, डन करना है, जैसे आप डन करेंगे तो 3 स्टेप्स में आएंगे, स्मूथ का ऑप्शन आएगा, जो छोटा मोटा अगर कहीं रह गया ना तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अलग अलग एचेस है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। तो 3 पे मेरा हो चुका है, ये फोटो जो दोस्तों पीएनजी फोटो बन चुका है, देखेंगे पूरा का पूरा पीएनजी फोटो बन चुका है। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, जैसे मैं फिनिश करूंगा दोस्तों तो ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब ये दोस्तों कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फोटो है दोस्तों आपको जाना आपके फोटो उसके सिस्टम में, और यहाँ पे आपको फोटो मिलेगा इरेजर के अंदर दोस्तों, इरेजर का फोल्डर है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फोटो मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके उठा लेता हूँ दोस्तों, और मैं इसको रख देता हूँ मूव टू, मेरे इतने सारे फोल्डर है दोस्तों, यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में इसको रख देता हूँ,
और ये डाउनलोड्स में दोस्तों जा चुका है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपकी जो मैंने आपको दूसरी एप्लीकेशन बताई थी इसको ओपन करना है दोस्तों। उससे पहले बता दूं व्हाट्सएप के स्टिकर किस तरह से काम करते हैं, मैं आपको एक डेमो देके दिखाता हूं। पहले आप देखेंगे ये मेरा फोन है दोस्तों, जहां पे मेरे खुद के स्टिकर्स मैंने बना रखे। अब इस तरह से दोस्तों आपके स्टिकर बन जाएंगे लाइव, आप देख सकते हैं मेरे खुद के स्टिकर से दोस्तों। आप खुद अपने फोटोज का बैकग्राउंड डिलीट करके इसको किस तरह से करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसका स्टिकर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मेरे खुद के स्टिकर से, अब इसको बाहर आ जाता हूं और मैं ले चलता हूं आपको इस एप्लीकेशन पे, पर्सनल स्टिकर्स वाली एप्लीकेशन पे चलना है दोस्तों आपको यहां पे। और यहां पे देखेंगे दोस्तों जितने भी फोटोज हैं ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं दोस्तों आपके व्हाट्सएप के ऊपर। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जाना है अपने व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, तो नीचे आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा दोस्तों स्टिकर्स का, स्टिकर्स पे आपको जाना है। और नीचे जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों आपको शाहरुख खान का जो पिक्चर मैंने अभी बनाया दोस्तों वो यहाँ पे आ चुका है, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे शाहरुख खान का स्टिकर बन के पहुंच चुका दोस्तों। आप देखेंगे कितना बढ़िया स्टिकर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्टिकर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से अपने जो फोटोज है दोस्तों उसके स्टिकर्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी बताऊं आपको मैंने इतने सारे स्टिकर्स बनाए यहाँ पे मेरे पिक्चर से दोस्तों, आप देखेंगे ये वाला स्टिकर है, ये वाला स्टिकर है, ये वाला स्टिकर है, सारे के सारे फोटोज दोस्तों आप देख सकते हैं स्टिकर बन चुके हैं दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वहां से ले लेती है दोस्तों। सबसे पहले आपको इरेजर यूज करना है दोस्तों, बैकग्राउंड इरेजर, यहाँ पे आपको जाके आपका फोटो जो है दोस्तों उसका बैकग्राउंड इरेज करना है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद होने के बाद दोस्तों आपको इसको अपने इंटरनल मेमोरी के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल जो है दोस्तों स्टिकर्स वाला व्हाट्सएप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, जैसे आप ऐड करोगे तो ये जो फोटो है ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। तीन फोटोज मिनिमम होने चाहिए ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप के अंदर, ये इनबिल्ट हो जाता है, ये इंटीग्रेटेड आपके व्हाट्सएप के साथ होता है। तो जैसे आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे दोस्तों, ये जैसे कि मैं मेरा व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको ओपन करना है, नीचे आपको दोस्तों स्टिकर्स में जाना, सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। ये आपके पर्सनल फोटोज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब आपके नए नए फोटोज है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। और व्हाट्सएप के जो होते हैं फोटोग्राफ सब देख सकते हैं व्हाट्सएप वाले, लेकिन आपके खुद के पर्सनल स्टिकर्स जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों इतना सिंपल है कि आपका खुद का आप स्टिकर बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ फेमस हो सकते हैं, बिकॉज ये तरीका आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा दोस्तों, जो आपका दोस्त टेक्नोनील आपको बता रहा है। तो दोस्तों इस तरह से करना है, दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपको अपना जो बैकग्राउंड है दोस्तों उसको इरेज करना है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी एक बना चुका हूँ, वो भी लिंक नीचे दे दूंगा कि किस तरह से आप बैकग्राउंड इरेजर को यूज कर सकते हैं डिटेल में दोस्तों। उसके बाद आपका जो फोटो वो पीएनजी बन जाएगा, फिर आपको जो आपकी स्टिकर वाली एप्लीकेशन है दोस्तों मेरी उस पर जाना है, उसमें ऐड आपको करना है, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप से इंटीग्रेटेड आपके व्हाट्सएप के स्टिकर्स के डेटा में चला जाएगा। फिर आपको सीधा सीधा वो जो है व्हाट्सएप का स्टिकर जो है दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ भेज सकेंगे, शेयर कर सकेंगे और फेमस हो सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये आज की ट्रिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज एक थम्स अप जरूर देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको डेफिनेटली चलेगा। प्लीज पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास आपको एक घंटी का बटन दिखेगा जिसे बेल आइकन बोलते हैं दोस्तों, उसको जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं एक नया वीडियो फ्यूचर में डालूंगा मेरे चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।